Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. लॉकडाउन के अंदर हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई है भाई साहब कि हम रोड पे आ गए हैं, क्योंकि इस बार जो हमारा लस्सी का मार्केट था पूरा खत्म हो गया है, और मटके का जो हमारा सीजन चलता था होली के बाद में, हमने इतना स्टॉक रखते थे कि हमारा वो बारिश तक पूरा माल निकल जाता था। लेकिन इस बार ये स्थिति है कि हमारी छतों पर इतने मटके पड़े हुए हैं, वो लगभग ये मानो कि टूटने के कगार पे हैं, क्योंकि 10 दिन बाद जब बारिश स्टार्ट होगी और आंधी आएगी तो ना तो उसके ऊपर छत है ना कुछ भी है, तो एक आंधी के अंदर पूरा मटके यूं ही बिखर जाएंगे, और मतलब हमारी जो जमा पूंजी थी वो भी हम मतलब जेब से लगाने बाद में और कर्जे में डूब गए। बड़ी ख़राब स्थिति मान रहे, आने वाला टाइम हमारा और ख़राब है। अनुमान हमारा कम से कम 1 लाख के आसपास का नुकसान हो चुका है, करीब हमारे 60 से 70 हज़ार के तो मटके जमे हुए हैं, और अभी लगभग मैंने 5-7 दिन से काम चालू करा है, और ये भी सिर्फ जमाने के हिसाब से जमा रहे हैं। आने वाले टाइम में भी दुकानदारों ने सबों ने मना कर दिया, भैया लस्सी का मार्केट चल नहीं रहा और माल लाने की ज़रूरत नहीं, दीपावली तक बिल्कुल मना कर दिया उन्होंने। जो हमारे मोदी जी ने कहा है कि हम 10 साल पीछे हो गए, वही स्थिति हमारी मान के चलो, मतलब हमारे पास 2 साल तक का माल स्टॉक रहा है, वो जब 2 साल बिकेगा उसके बाद में नया काम चालू करने की हम सोचेंगे। गोपाल प्रजापति। मेरा नाम चेतराम सर। अच्छा, लॉकडाउन के चलते किस तरह की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है? स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होगी, और लॉकडाउन लगने से स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, और मार्केट थोड़ा डीमा है ये हिसाब के। कितने परिवारों की रोजी रोटी चल रही है इस काम से? साहब 20-25 घर की रोजी चलती थी, वो रोजी बंद हो गई है, 3 दिन से काम चल हुआ है ये सब। गर्मी का पूरा सीजन निकल चुका है, जिस तरह से कुल्हड़ वगैरह बनाते हैं सब खत्म हो चुका है सर। गर्मी में कुल्हड़ मटके बेचते थे, बिल्कुल नहीं बिक रहे साहब, क्या ये हिसाब है क्या? ठीक है, नाम बताया। नाम चेतराम मेरा।